नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार क्यारी और दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 151वीं जयंती पर जगाधरी में सफाई अभियान व पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया आयोजित। करनाल में 74,860 व्यक्तियों के सैंपल में से 66,639 की रिपोर्ट नेगेटिव। उपायुक्त निशांत कुमार ने बताया कि 51 नए मामले आए सामने। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने मनाया किसान मजदूर व्यापारी बचाव दिवस। अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में गांधी पार्क से शास्त्री पार्क तक निकाली गई ट्रैक्टर रैली। मोहाली के आईवी हॉस्पिटल में कार्डियोवैस्कुलर साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर बेदी को वाशिंगटन के प्रतिष्ठित 34वें अमेरिकन वेन और लिम्फेटिक सोसाइटी की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में किया गया आमंत्रित। सिरसा से बड़ी खबर आ रही है, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए N95 मास्क नाकाम। स्वास्थ्य कर्मवीर कर रहे हैं सिलिकॉन मास्क की मांग। रोहतक में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। गांधी ने अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगाया, यह कहना है एडवोकेट रमेश खुराना का। हासी से SDM डॉक्टर जितेंद्र अहलावत ने फिर से नई पारी की शुरुआत। अधूरे विकास कार्य को पूरा कराने के लिए सरकार व जनता के सहयोग से कराया जाएगा कार्य। COVID-19 के 56 मामले आने से सोनीपत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8,458 तक पहुंचा। कोरोना के नए पॉजिटिव केस में 18 महिला मरीज भी हैं शामिल। कुरुक्षेत्र में कोरोना संक्रमण के 59 मरीज हुए ठीक, 46 नए मामले आए सामने। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जन स्वास्थ्य विभाग भिवानी क्षेत्र में साफ करेगा करीब 22 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन। देर रात थर्मल बाईपास जींद असंद रोड पर यूपी में हुई मनीषा के साथ दर्दनाक घटना पर वाल्मीकि कॉलोनी के सदस्यों ने निकाला कैंडल मार्च व दी अपनी श्रद्धांजलि। ऑनलाइन शिक्षा के दौर में झज्जर जिला कर रहा है उल्लेखनीय कार्य। उपायुक्त के मार्गदर्शन में DEO शिक्षा वर्ग को कॉल करके कर रहे हैं प्रोत्साहित। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का पलटवार, कहा क्या हरियाणा में जंगल राज है। ठीक से मास्क न लगाने पर सिविल डिफेंस कर्मियों ने हेड कांस्टेबल का काटा चालान। बहस करने पर जमकर पीटा। और भी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे समाचार क्यारी और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।